दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंड शी किचन में। और बच्चों का मन किया कि आज ब्रेड पकोड़े बनाए जाए, लेकिन ब्रेड पकोड़े बनते हैं बहुत ही तेल में तलने के बाद तो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो नहीं खा सकते हैं। तो आज हमने बनाए हैं बिना तले हुए ब्रेड पकौड़े, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनने में बहुत आसान। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना तले हुए ब्रेड के पकौड़े बनाने के लिए हमें सामान चाहिए आलू। तो ये है आलू उबले हुए, जिनको मैंने मैश कर लिया है, और इनसे हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा मसाला। तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे कुछ कटे हुए प्याज, और इसी के साथ अदरक और हरी मिर्च का ये मैंने पेस्ट डाला है। साथ ही इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और कुछ मसाले। तो मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ये क्या नमक, थोड़ा सा और डाल देंगे। और इसी के साथ जाएगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें जाएगा अमचूर पाउडर लगभग 1/4 चम्मच, और जीरा पाउडर। और अब इसके बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये जो मसाला है आलू का, इसमें हमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना है, बस ऐसे ही हमें मसाला तैयार करना है। और मसाला बनाने के बाद इसे आप एक बार टेस्ट कर लें, अगर आपको कुछ भी कम लगे ज़्यादा लगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने आलू का मसाला बना लिया है। और अब करते हैं हम बेसन के घोल की तैयारी। तो ये मैंने लिया है एक कप बेसन, यानी कि 250 ग्राम, और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो ये क्या नमक, थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी, और एक चुटकी मैं इसमें डालूंगी मीठा सोडा। तो ये क्या मीठा सोडा। और अब थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला ना करें आप, और बहुत गाढ़ा भी हमें नहीं चाहिए। तो ये जो हम ब्रेड के पकौड़े बनाएंगे उसके अंदर हमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह की जरूरत नहीं है, तो ये बिना तले हुए हम बना रहे हैं। तो जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या जो वेट लॉस कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिना सोचे समझे वो ब्रेड पकौड़े खा सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा बेसन का घोल हो गया है रेडी, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बहुत ज्यादा पतली और बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं है। और अब इसको हम रख देते हैं साइड में, और अब बना लेते हैं हम इस ब्रेड को, मसाला लगा के रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने ली है ब्राउन ब्रेड, तो ये और भी ज्यादा हेल्दी हो गए हैं हमारे ब्रेड पकौड़े, क्योंकि हमने इसमें व्हाइट ब्रेड नहीं ली है, और इसमें हमने कोई ऑयल वगैरह यूज नहीं करना है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी। तो ये जो हरे धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी, आप कुछ भी चटनी हो वो लगा सकते हैं। अगर चटनी नहीं है तो आप उस पर टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। और अब इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा आलू का मसाला, अच्छे से इसको फैला देंगे चारों तरफ। तो ये देखिए, आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और जब कई बार हमारा मन करता है कि ब्रेड पकौड़ा बनाया जाए, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगेगा, तो वो सारी टेंशन अब ख़त्म। और अब दूसरी ब्रेड पर भी हम लगा लेंगे थोड़ी सी चटनी, बहुत ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा लगाने से हमारी जो ब्रेड है वो थोड़ी सौगी हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी चटनी लगा लें, और इस तरह से आप इसको अच्छे से कवर कर दें। और चलिए अब करते हैं इसको फ्राई करने की तैयारी, लेकिन हमें इसको फ्राई करना नहीं है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये हमने लिया है एक पैन, और उसमें हम लगाएंगे बहुत थोड़ा सा ऑयल। तो इसको बस जस्ट हमने ग्रीस किया है, तो एक से दो बूंद में हमारा काम हो गया। और अब हम ये जो ब्रेड है इसको हम इस बेसन के घोल में करेंगे डिप,
तो ये गई हमारी ब्रेड और इसको इस तरह से डिप करके हम इसको रख देंगे इस पैन में। और अब इसमें हम लगा देंगे एक लिड और इसको पकने देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए और गैस को कर देंगे बिल्कुल सिंपल। तो ये लीजिए हमने इस पे ढक्कन लगा दिया है और अब इसको पकने देते हैं। और जब तक वो ब्रेड पकौड़ा पक रहा है तब तक हम फटाफट से कर लेते हैं दूसरी की भी तैयारी। तो इस पर भी हम लगा देंगे चटनी और ये गया हमारे आलू का मसाला। अब ये जो मसाला है इसमें आप और भी चीजें डाल सकते हैं, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, तो जो भी आपके पास है वो सब वेजिटेबल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो पनीर भी इसमें डाल सकते हैं। और अब दूसरी ब्रेड से हम इसको कवर कर देंगे। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है और ये नीचे से अच्छे से पक गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे, बस कुछ बूंदे। और अब इसको हम पलट देते हैं, तो धीरे से हम इसको करेंगे दूसरी तरफ। तो देखिए इसको अब इस तरह से आप पलट दें, थोड़ा सा आपको एक हाथ से इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो देखिए अच्छे से सिक गया है इस तरफ से और आप चाहे तो थोड़ा सा ऑयल और लगा सकते हैं, बट हमें अभी जरूरत है नहीं। तो इसको हम दोबारा से ढक देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकने देते हैं इसको। तो ये लीजिए 2 मिनट हो गए हैं और अब देखते हैं हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है वो नीचे से भी अच्छे से सिक गया है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है और आप चाहें तो इन किनारों को भी इस तरह से थोड़ा सा सेक सकते हैं। वैसे हमने लिड लगा दिया था तो ये भाप में अच्छे से सिक जाता है, पर आप इस तरह से अगर सेकेंगे तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सेक लेते हैं, चारों तरफ से आप थोड़ा सेक ले। तो ये लीजिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फटाफट से बना लेते हैं दूसरा ब्रेड पकौड़ा भी। तो ये हम दूसरी ब्रेड को भी इस घोल में डिप कर देंगे और इस तरह से इसको फटाफट से रख देंगे पैन में। तो ये लीजिए दूसरा ब्रेड पकौड़ा भी अच्छे से सिक गया है और दिखने में कितने क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कि हमने इन्हें बिना तले हुए बनाया है और स्वाद में भी बहुत ही शानदार है। तो चलिए अब करते हैं इनकी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करेंगे हम बहुत ही अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम इनको कर लेंगे इस तरह से कट, तो आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और अब इस तरफ से भी हम इसमें कट लगा देंगे ताकि ये खाने में बहुत ही आराम से खाए जाए, क्योंकि काफी बड़ा पीस है। तो हमने एक ब्रेड के कर लिए हैं 4 पीसेस, अब इसके भी कर लेते हैं हम। तो ये देखिए कितने अच्छे बन के रेडी हुए हैं, बस देखते ही मुंह में पानी आने वाला है। तो ये बीच में हमने रख दी है धनिया की चटनी, तो चटनी के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसी के साथ हमने बनाई है ये है मीठी चटनी। तो मीठी चटनी भी आप इस तरह से इस पर डाल दें और बस अब ले आप इस गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ों का मजा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी बनी है। तो अब हम लेते हैं इस गर्मा गर्म बिना ऑयल के तले हुए ब्रेड पकौड़ों का मजा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।